अब हम पढ़ेंगे कलेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, जो बेसिकली हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन होती है और हमारे पास एक बिग मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखना, जो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें जो हम एक सबस्ट्रेट लेंगे वो एक एस्टर होगा, वो एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और उसका हम रिएक्शन कराएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। जो और प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास वो होगा बीटा कीटो एस्टर। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मान लीजिए मैकेनिज्म हम देखते हैं, मान लीजिए हमने एक एस्टर लिया जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे जो नेबर वाला कार्बन है हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब जनरली जो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है उसमें हम जो बेस यूज करते हैं वो बेसिकली इसका साल्ट यूज करते हैं। जो यहाँ पे ओवर ग्रुप होगा उसका हम सॉल्ट यूज करेंगे, मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे OMe-, या इसका मान लीजिए सोडियम साल्ट मैंने यूज कर लिया मान लीजिए। अब क्या होगा, सिंस हमने बेस यूज किया है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जो एसिडिक हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगा है, उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी हमारे पास, और हमारे पास एक इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास एक इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल आएगा इस एस्टर का, एक और मॉलिक्यूल आएगा इस एस्टर का, और हमारे पास क्या होगा, एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। कंडेंसेशन में क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और एक ग्रुप लीव कर जाएगा। यहाँ पे अब क्या आएगा, कार्बो अनायन बनेगा, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कार्बन अब एज ए न्यूक्लियोफिल इस कार्बन पे अटैक करेगा और OMe ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CO फ्रेगमेंट, जो है वो इस फ्रेगमेंट के साथ जुड़ जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 और यहाँ पे बन जाएगा एस्टर। अब देखना, एस्टर की जो नेबर वाला कार्बन है मैं बोल सकता हूँ अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन होगा बीटा कार्बन, ये अल्फा ये बीटा, मतलब मेरे एस्टर के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे है कीटोन ग्रुप, इसलिए हम इसे बोल लेंगे बीटा कीटो एस्टर। हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बीटा कीटो एस्टर। अब हम देखें, अगर मैं मिथेन के दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बनेगा, मतलब उसके जो हाइड्रोजन होंगे काफी एसिडिक होंगे। सेम ये चीज बनी है, किसी C2 के बगल में टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इसीलिए क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होता है बेसिकली एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। और हमने पिछली नेमिंग रिएक्शन में पढ़ा है नोवेंजल कंडेंसेशन में भी जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा हमारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब इस रिएक्शन में हम पहले इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि इस रिएक्शन को मैकेनिज्म नहीं करना तो कैसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक एस्टर लिया, तो इसको हम कैसे मैकेनिज्म अगर नहीं करना तो हम कैसे लिख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कार्बन के पास एक अल्फा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन ऐसे सिंगल बॉन्डेड मेंशन कर लीजिए, इसे चलो C2 ऐसे लिख दो, और एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दीजिए, और बाकी जो ग्रुप है OMe उसे ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करना है आपको, हमें सिंस यहाँ पे OMe अच्छा लिविंग ग्रुप है और वो मिथेनॉल के फॉर्म में, बेसिकली यहाँ मिथेनॉल के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो हमारे पास एक स्मॉल ग्रुप लीव होगा और टू मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, और इसलिए हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर। ये थी इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक, कह लीजिए अगर इसे कम टाइम में करना हो, कि OMe ग्रुप को और इस अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे लिख दीजिए, कोई भी और ग्रुप होगा उसको हाइड्रोजन के साथ प्लेस कर, हाइड्रोजन के साथ बाहर निकाल दीजिए, आपके पास बाहर अल्कोहल बन जाएगी, बाहर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये थी सिंस यहाँ पर टू सेम मॉलिक्यूल सिंस यहाँ पे टू सेम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, कि सेल्फ मींस कि टू सेम मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए मैं टू डिफरेंट एस्टर मॉलिक्यूल ले लूं जिन अगर उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एग्जामिनर आपको पूछे सिंस हमें पता है यहाँ पे OET ग्रुप यूज कर रहे हैं, तो बेस जो यूज होगा वो भी इथोक्साइड होगा। मान लीजिए मैंने सोडियम साल्ट ऑफ इथोक्साइड ले लिया। अब ध्यान से देखना, एग्जामिनर आपको पूछेगा बताओ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब देखना, आपको पहले रिएक्शन पहचाननी कैसी है कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है, पहले देखो एस्टर दिए है, दोनों साइड एस्टर दिए है, देन चेक करो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 है, यहाँ पे 2 है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करने, जो कार्बन
पे 7 कार्बन होगा, उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, उस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। अब देखना, अब हमने निकालने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, सिंस ये यहाँ पे देखना कि हमारे पास एस्टर डिफरेंट ले रहे हैं, डिफरेंट ले रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होंगी। कैसे पॉसिबिलिटी बहुत सारी होंगी, पहली पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ कि पहले अगर पॉसिबिलिटी बात करूं कि ये दो मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ कंडेंसेशन कर दे, इसे भूल जाइए मैंने क्या किया, सिंपल ये मॉलिक्यूल लिया, इसका मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराया, तो सेम जैसे हमने रिएक्शन पीछे किया सेम यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो हमने पीछे प्रोडक्ट बनाया सेम वैसा एक सेल्फ कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका रिएक्शन सेल्फ कंडेंसेशन के तौर पर देखूं, इसका रिएक्शन मैं बेस के साथ कराऊं, OAT माइनस के साथ कराऊं, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसे अगर मैं शॉर्ट रिंग के साथ लिखूं, OAT है, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन का जो एच ऐसे एक ऐसे लिख दीजिए और मिथाइल ऐसे ही है और बाकी एस्टर को एसिटी से रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा OETH ग्रुप लीव कर जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वहां पे क्या बन के आएगा, Ca3CH2CO, यहाँ पे CH, यहाँ पे ME जुड़ जाएगा, यहाँ पे COOET। ये थे दो प्रोडक्ट। अगर दो प्रोडक्ट कैसे बने हैं, अगर ये दोनों सिमिलर इंडिविजुअली सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट ये होगा एक प्रोडक्ट ये होगा, मतलब हमारे पास अभी सेल्फ कंडेंसेशन के बाद दो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। अब देखना अदर पॉसिबिलिटी, मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि मेरा बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कार्बो अनायन जनरेट कर दे और कार्बन जनरेट कर दे, इसे मैं बोल सकता हूँ ये डोनर ग्रुप है मेरा, ये डोनर ग्रुप है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कि पहली पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ इसका प्रोटॉन इसका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक कार्बन अनायन बन गया और कार्बन अनायन से इलेक्ट्रॉन रिच ये डोनर एक्ट करेगा और ये मॉलिक्यूल हमारा एक्सेप्टर एक्ट करेगा, ये कार्बन अनायन को एक्सेप्ट करेगा और OET यहाँ से लीव कर जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये इथाइल ग्रुप एज इट इज, इस पास कार्बनल है, कार्बनल के साथ अब जुड़ जाएगा CH2 और COOET। एक पॉसिबिलिटी थी ये कि ये एक्सेप्टर एक्ट करे, ये डोनर एक्ट करे। एक पॉसिबिलिटी होगी कि जो हमारे पास बेस है वो ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करे और इसे डोनर बना दे, इसे डोनर बना दे। ये अब हमारा बन गया है डोनर, ये अब होगा एक्सेप्टर हमारा, तो डोनर एक्सेप्टर की आपस में रिएक्शन होगी, ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, OET बाहर जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल के साथ जो कार्बोनिल लगा है उसके साथ अब ये CH को जोड़ना और मिथाइल इसके साथ ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे COET। मतलब ये थी पॉसिबिलिटी, अगर हम क्रॉस कंडेंसेशन करेंगे टू प्रोडक्ट्स उसके बनेंगे प्लस एक सेल्फ कंडेंसेशन वाले के दोनों के इंडिविजुअली, और टोटल हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे। जब भी हम क्रॉस कंडेंसेशन कराएंगे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा और हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स 4 बनेंगे। ऐसे गेट में नेट में क्वेश्चन आते हैं और जैम तक में आ सकते हैं, इसलिए ये बात याद रखना कि अगर हम डिफरेंट एस्टर मॉलिक्यूल, डिफरेंट एस्टर कौन से, डिफरेंट एस्टर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो अब वो किस देखेंगे, अब हम देखेंगे क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन। मान लीजिए क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन देखेंगे, ऐसी कंडेंसेशन जिसमें एक एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसे अल्फा हाइड्रोजन मत मानना, क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन की प्रेजेंस होना जरूरी है, इसके कार्बन के जो बगल में कार्बन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, वो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि ये इस कार्बन के बगल में हमारे पास जो कार्बन है उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड से करा दूं, अब हम बोले वो हमें बोले कि बताओ कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा कि मिक्सचर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब देखना पहले स्टेप में हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी, अब अल्फा हाइड्रोजन ही ज्यादा एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, कोई ये मत हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर देना, अगर बाई चांस तुम ये H+ एब्स्ट्रैक्ट इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लोगे तो हमारे पास ये कार्बन आयन बनेगा, और ये स्टेबल ही नहीं है, क्यों स्टेबल नहीं है, डीलोकलाइज ही नहीं है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, अगर वो डिस्पर्स हो, ज्यादा रीजन में फैले, ज्यादा रीजन में डीलोकलाइज हो, अगर इस H+ को मैं एब्स्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास जो कार्बन आयन बनेगा वो इस कार्बन के साथ कंजुगेशन में है, इस पूरे रीजन में ये इलेक्ट्रॉन से फैली हुई है, डिस्पर्स हुई है, इसलिए ये कार्बन आयन फॉर्मेशन होगी, ये कभी भी एल्डिहाइड का हाइड्रोजन हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एसिडिक नहीं होता, इसलिए इसका हाइड्रोजन कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है।
अब यहाँ पे जो कार्बोनेट बनेगा वो कार्बोनेट इस कार्बोनेट पे अटैक करेगा, O80 बाहर जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, अब ध्यान से देखना, एक ही पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी आ जाएगा COOET। अब एक और पॉसिबिलिटी होगी, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कि ये अपना सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन दे दे, उसका भी एक और पॉसिबिलिटी है। तो हमारे यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आपको चूज करना है तो आप हमेशा ये चूज करोगे, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने आपको डिफरेंट दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्टर दिए हैं, तो डिफरेंट एस्टर दिए हैं तो उसका मतलब वो एक को डोनर बना रहा है, एक को एक्सेप्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर आपको एक प्रोडक्ट चूज करना हो तो आपको पहले एक डोनर बनाएंगे और एक एप्स आपको एक्सेप्टर दिया होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसके कोरस्पॉन्डिंगली। अब हम इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं, अब इसकी हम और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कि इस तरह का मैंने यहाँ पे OMe ले लिया, और यहाँ पे अब मान लीजिए हमने लिया एक, मान लीजिए pH बेंजाल्डिहाइड, एक फिनाइल ले लिया मान लीजिए मैंने, क्योंकि इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया OME और मैंने यहाँ पे ले लिया NaOME। अब हम पूछे वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? पहले स्टेप में ये H प्लस इजिली इस कार्बोन आयन, ये यहाँ पे ये OME है, यहाँ पे H प्लस को अब्सट्रैक्ट करेगा, हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोन आयन। यहाँ पे जो कार्बोन आयन बनेगा वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोन पे अटैक करेगा, OME बाहर निकाल देगा, दोनों फ्रेगमेंट को जोड़ दो, PHCO को ऐसे जोड़ दो। अब एक मान लीजिए वो हमें एक और स्टेप करा दे, मान लीजिए अगर वो हमें एक और स्टेप इसके फर्दर करा दे, वो हमें कहे कि इसका उसने क्या किया, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दी, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दी, देन वो हीट कर रहा है, तो वो बोले व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब देखना, जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमें पता क्या होगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, OH ग्रुप लग जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो गई। अब उसने हीट किया, मैंने आपको कल भी नोवेंजर कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया था, जब भी हमारे पास बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड या बीटा कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ग्रुप होंगे तो वे इजिली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, CO2 उनमें रिमूव हो जाएगी, CO2 कैलर रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे इसका H यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हमारे पास कीटोन बेसिकली बन जाएगा और डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। अगर आपको मैं इसका मैकेनिज्म बताऊँ कि ये रिएक्शन हुई कैसे है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जब भी डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो हमारे पास एक इनोल फॉर्म बनती है, ध्यान से देखना, यहाँ से निकलेगा CO2। अब इस कार्बन की चार वैलेंसी पूरी होगी, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगी, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके के कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनेगी, वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनेगी, अब कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगी और टूटेगी तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से CO2 निकला, हमारे पास बनी इनोल फॉर्म, हमारे पास बनी इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, और इनोल फॉर्म के बाद में टोटोमेरिज्म करके हमारे पास कीटो फॉर्म बन गई, जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात याद रखना, क्लिजन एस्टर कंडेंसेशन में क्या बेसिकली पूछते हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा बीटा कीटो एस्टर, अगर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दे और बाद में हीट करा दे, हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करोगे, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीटा जिसमें कार्बन है, तो वहां पे आपने बस CO2 रिमूव कर देना, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देना, आपके पास कीटोन बनेगा। ये था क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, इसके हम प्रॉब्लम्स अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रॉब्लम्स भी डाल देना, आप ट्राई करना और बाद में उसकी हम सॉल्यूशन उसमें देखेंगे। थैंक यू।